बहुत समय पहले की बात है, ग्रीक के गांव में एक बहुत ही गरीब लकड़हारा रहता था। वो अपने जीवन यापन के लिए लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचा करता था। वो उतनी ही लकड़ियां काटता था जिससे वो अपना गुजारा कर सके। एक दिन वो नदी के किनारे पुराने पेड़ के तने को जैसे ही काट रहा था, अचानक तेज हवा चलने लगी। लकड़हारा अपने को संभाल नहीं पाया और खुद को गिरने से बचाने के लिए तने से लटक गया। बदकिस्मती से उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। लकड़हारा पेड़ के ऊपर से उतर गया और नदी में उतरकर वो अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने लगा। वो बहुत देर तक ढूंढता रहा। लेकिन उसे कुल्हाड़ी कहीं भी नहीं मिली। लकड़हारा बहुत उदास हो गया। वो नदी के किनारे आकर बैठ गया और रोने लग गया। हे भगवान, मेरी मदद करो। आज मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? कल से मैं कमाने कैसे जाऊंगा? मेरे पास तो नई गाड़ी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। मैं क्या करूं? उसी समय भगवानों के दूत जंगल के ऊपर से गुजर रहे थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वो गरीब लकड़हारे की रोने की आवाज सुनकर वहां पहुंच गए। क्या परेशानी है नौजवान, और तुम यहां पर क्यों रो रहे हो? हे ईश्वर, मैंने कुल्हाड़ी खो दी है। वो बहती नदी में गिर गई है और अब मेरे पास तो लकड़ियां भी नहीं है जिन्हें बेचकर मैं भोजन खरीद सकूं। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें लाकर देता हूँ। यह कहकर देवदूत ने नदी में डुबकी लगाई। थोड़ी देर के बाद उन्होंने नदी से चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी निकाली। ये लो नौजवान, मुझे तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल गई। नहीं 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 मेरे प्रभु, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मैं इसे नहीं ले सकता। ठीक है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। देवदूत ने फिर से नदी में डुबकी लगाई और इस बार उन्होंने एक चांदी की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। ये लो, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है ना? नहीं, ये मेरी नहीं है। देवदूत ने अब तीसरी बार फिर से पानी में डुबकी लगाई। देवदूत ने तीसरी बार डुबकी लगाकर लोहे की कुल्हाड़ी को बाहर निकाला। इस बार लकड़हारा खुशी से झूम उठा। मेरी कुल्हाड़ी आपको मिल गई, आपने ढूंढ दी। हे भगवान, आपका उपकार है मुझ पर, अब मैं अपना काम पूरा कर सकता हूँ। देवदूत ईमानदार लकड़हारे से बहुत प्रभावित हुए। देखो नौजवान, मैं तुम्हारे ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और तुम्हारे अच्छे स्वभाव की वजह से इनाम में तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ी भेंट स्वरूप प्रदान करता हूँ। ये कहकर देवदूत उड़ चले।
शिक्षा ये है, ईमानदारी ही सफलता की कुंजी है।